हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति पास मिला आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए पोंचो बनाएंगे हमने मात्र दो स्ट्रिप इस से इसे बनाया है बहुत ही खूबसूरत सा पोंचो हमारा बनकर रेडी हुआ है और ये देखिए ये है इसके साथ मैचिंग की कैप और यहाँ पे रहे सभी साइज के काना जी मैंने इसलिए इन लोग को बैठाया है जिससे आप लोग को इस मेजरमेंट के ऊपर भरोसा हो बहुत ही मैंने एकदम काफी टाइम लगता है इस मेजरमेंट बनाने में कि, कि सभी साइज के लिए आप बनाएं क्योंकि चेक करना पड़ता है कि सभी साइज को प्रॉपर अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है तो आप इस मेजरमेंट से बनाएं मेरे पास काफी साइज के यहाँ पे देखें काना जी लोग बैठे हुए हैं छोटे बड़े छोटे बड़े तो आपको मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप इसी मेजरमेंट पर सभी साइज के लिए ड्रेस बना सकते हैं तो ये देखें इसे पहनाना भी बहुत इजी है बहुत ही खूबसूरत सी पॉन्च है दोनों साइड से ये सेम आएगी ये इस तरह से आ जाएगी गोपाल जी के नेक पे और यहाँ से आप इसे इस तरह से अलग कर सकते हैं ये देखें यहाँ से इसकी ये फ्रिल हम ऐसे करके इनका हाथ निकाल लेंगे ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत इजी है इसे बनाना बहुत इजी है ये देखें अब ये मैं इन्हें कैप लगा दूंगी तो ये हो गई इनकी कैप तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल भी क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पे फॉलो करिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये देखिए कुछ इस तरह का इसका लुक आ रहा है चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ और बना लेते हैं गोपाल जी के लिए ब्यूटीफुल सी ड्रेस ये देखिए हमने यहाँ पे येलो और ब्लू कलर में ये ऊन लिया है और हम सबसे पहले ब्लू कलर से स्टार्ट करेंगे देखिए हमें इस तरह की एक स्ट्रिप बनानी एक हमने बना ली एक और हम बनाएंगे बस दो स्टेप बनाएंगे हमारी पॉन्चर रेडी हो जाएगी और साथ में हमने अपना मेजरमेंट चार्ट ले लिया है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना सबसे पहले हमने अपना ब्लू कलर ऊन ले लिया और यहाँ पे हमने ये क्रोसिया हुक जो है देखें टू पॉइंट फाइव एम एम की लिए अब हम स्टार्ट करेंगे किस तरह से हमें करना है सबसे पहले तो यहाँ पे देखें आप इस तरह से एक नॉट लगा लें ये एक हम लूप बना रहे हैं स्टार्टिंग वाली ये देखिए ये हमने नॉट लगा ली इसे हम पूरा नहीं निकालेंगे बस इतना ही हमें निकालना है और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे किस तरह से बनाते हैं चेन ये देखें यहाँ पे ये इस तरह से जाएगी ये हमने इसे खींच के निकाल लिया ये देखें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस हमने यहाँ पे टोटल तीस चेन बना ली देखिए हमने यहाँ पे छः नंबर के काना जी के लिए तीस चेन बनाई है सभी साइज में आप देख रहे हैं कि आपको कितनी कितनी चेन बनानी है ज़ीरो साइज में आपको आठ चेन बनानी है एक नंबर में दस दो नंबर में चौदह तीन नंबर में अट्ठारह चार नंबर में बाईस पाँच नंबर में छब्बीस छः नंबर में तीस सात नंबर में चौतीस आठ नंबर में अड़तीस नौ नंबर में चौलीस और दस नंबर में आपको साठ चेन बनानी है अब हम यहाँ पे अपनी बुनाई स्टार्ट करेंगे तो किस तरह से हमें बुनना है इसे ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखिए ये हमने एक चेन हमारे हुक में ली हुई है इसके बाद वाली एक चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरह से हमने लिया और ये तीसरी चेन में हम डालेंगे और ये हमने इसे निकाला देखें तीन फंदे आ गए अब यहाँ पे हमने क्या करना है तीन फंदे से दो और दो फंदे से एक कर देना है ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाई और स्टार्टिंग में हमने दो चेन स्किप की थी तो वो भी हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाता है इस तरह से हमने यहाँ पे टोटल दो डबल क्रोशिया बना लिया अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे ये इस तरह से हम लेंगे और अब हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे और अगली चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है फिर हमने बनाई फिर देखिए ये इस तरह से लेंगे नेक्स्ट चेन में डालेंगे और तर ये अगली चेन में फिर से हमने एक डबल क्रोशिया बना देनी है ये देखिए हमने बना दिया फिर हमने इसे इस तरह से लिया और फिर यहाँ पे हम अगली चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे मतलब हमें यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है तो आपने यहाँ पे जितनी भी चेन बनाई होगी उतनी ही टोटल आपकी डबल क्रोशिया आ जाएगी इस दो चेन को एक डबल क्रोशिया मानते हुए तो चलिए मैं यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेती हूँ फिर आपको बताऊँगी सेकेंड रो कैसे बनानी है ये देखिए हमने यहाँ पर ये एक रो बना ली है और हम क्या करेंगे इसे ऐसे अपने वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद ये फिर से हम सेकेंड रो बनाएंगे ये देखें ये इस तरह से एक दो दो चेन हमने बनाई इसे हम इस तरह से लपेटेंगे फर्स्ट चेन में डालेंगे ये हमने निकाला तीन फंदे हुए तीन से हमने दो और दो से हमने एक कर दिया फिर हमने इसे इस लपेटा नेक्स्ट चेन में डालेंगे और ये देखें तीन फंदे हैं दो दो से एक कर दिया हमने फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे फिर हमें इसके ऊपर सभी चेन में देखें एक एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेनी है ये देखें एकदम सिंपल सा तरीका है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बहुत आसानी से आप बना लेंगे और गैस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें मैं एकदम आपके लिए इजी से इजी तरीका ढूंढ के ले आती हूँ मेज़रमेंट चार्ट के साथ आपको वीडियो बनाती हूँ मेज़रमेंट चार्ट बनाने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि सभी साइज के लिए सभी साइज को वो परफेक्ट आए इस हिसाब से बनाना पड़ता है और मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं आपको एकदम ऐसे अंदाजन या तुक्का मार के बता रही हूँ मेरे पास सभी साइज के कान्हा जी लोग हैं तो आप इस मेजरमेंट के हिसाब से अपने काना जी के लिए बनाएं कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत आसानी से आप बना लेंगे तो इस सब मेहनत के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग सब्सक्राइब क्या करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी किया करें ये देखिए ये मैं आपसे बात करते करते लगभग एंड में आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया ये बना रही हूँ सिंगल क्रोशिया भी हमारी ड्रेस में कहीं नहीं है फिर भी मैं आपको भी इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप बना सकते हैं ये देखें ये इस तरह से हम यहाँ पे इसे बुनेंगे और एंड में आने के बाद मैं एक बार और टर्न करके आपको थर्ड रो भी दिखा दूँगी ये देखें जिससे आपके लिए ईजी हो जाए अब लगभग हम एंड में आ भी गए हैं ये देखें ये इस तरह से हम बनाते हुए एंड तक आ चुके हैं ये हमने सभी चेन में एक एक बार बना दिया अब हम इसे टर्न करेंगे और फिर देखें एक दो दो चेन बनाई हमने और फिर यहीं सेम चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद फिर हम सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते चल जाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे सेकंड रो बनाई है वैसे ही थर्ड और फोर्थ टोटल चार रो बनानी है चलिए बना लेते हैं फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी टोटल चार रो बना लिया अब यहाँ से हम क्या करेंगे ये देखें इस तरह से एक चेन बनाएंगे और चेन बना के इसे हमें थोड़ा सा लंबा करना है लंबा करने के बाद इसे हम कर देंगे कर देंगे ये देखें ये हमारी स्ट्रिप रेडी हो गई है ये इस तरह से हमने दो स्ट्रिप बना ली है बस ये हमारी पहुंचों की स्ट्रिप रेडी हो गई है तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने यहाँ पे चार रो बनाई है छः नंबर के जी के लिए आप देखें जीरो एक और दो नंबर तक के लिए दो दो रो बनाएं तीन और चार नंबर के लिए आप तीन तीन रो बनाएं पाँच और छः नंबर के लिए चार चार रो बनाएं सात आठ नंबर के लिए पाँच पाँच रो नौ नंबर के लिए छः रो और दस नंबर के लिए आपको यहाँ तो पे टोटल सात रो बनानी होगी तो ये मैंने आपको सभी साइज में ये बता दिया तो चलिए मैं आपको लगे हाथ बता देती हूँ कैप के लिए भी तो कैप के लिए देखिए हमने स्ट्रिप तैयार कर लिया सेम हमने पट्टी तैयार की है जैसे हमने ये वाली तैयार की थी सेम आपको उतने ही फंदे में उतनी ही ये देखें एक दो तीन चार चार लाइनों हमने स्टार्ट सॉरी चार लाइनें हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है सेम तरीके से हमने इसे बनाया है बट बत मैं बता देती हूँ कि येलो कलर यहाँ पे आप किस तरह से अटैच करेंगे ये देखें यहाँ पे इस तरह से हमने उनको डालना है बस मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको भी मैं इसे खोल दूंगी मैंने पहले ही बना दिया था इसलिए ये देखें ये इस तरह से हमने यहाँ पर अपना येलो कलर लगाया इसे हमने एक दो दो चेन बनाई और इसके बाद सबसे पहले फर्स्ट चेन में ही हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद देखें यहाँ सभी चेन में हमने इस तरह से एक एक बार डालते हुए डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है तो ये हमारी येलो कलर से आउटलाइन आ जाएगी ये देखें ये इस तरह से हमें बनाते हुए चले जाना है मैंने गलती से बना दिया मैंने सोचा था मैं सिर्फ चार स्ट्रिप बना के आपको बताऊंगी बट मैं गलती से मैंने इसे बना दिया तो फिर भी मैंने देखिए आपको यहाँ पे बता दिया सेम तरीके से ये हमारा हुआ है ये देखें इस तरह से हमने इसे बनाया हुआ है तो ऐसे आप बना लें चलिए मैं आपको स्टिचिंग दिखाती हूँ कि किस तरह से और स्टिचिंग से पहले हमें यहाँ पे देखिए क्या बनाना होगा मैंने इसे खोल दिया क्योंकि ये हमारा रेडी है ये दोनों हमारा पाँचों के लिए हो गया और ये कैप के लिए हो गया अब देखिए इस पर हमें लटकन लगानी है तो उसके लिए हम इसे उनको एक दो तीन चार पाँच छ छः बार हमने अपने उंगली पर लपेटा यहाँ से ये यह निकालेंगे और निकालने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर देखें ये इसे एक दो तीन कम से कम तीन बार इस तरह से करना है और फिर ये नॉट लगा देनी है ये देखिए ये हमने इस तरह से नॉट लगा दी बस नॉट लगा के हम इसे कट कर देंगे और ये हमारा हो गया अब इस पर हमें अपने एक फ्लावर बनाने हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे देखे काफ़ी सारे फ्रिल्स बना के रखे हैं तो मैं अभी इसे साइड करती हूँ और आपको फ्लावर भी बनाना दिखा देती हूँ फिर हम इकट्ठे इसकी स्टिचिंग करेंगे तो फ्लॉक किस तरह से बनाना है ये देखिए आपको जैसे मैंने चेन बनाना बताया था आप उस तरह से लूप बना के चेन बना लें मैंने यहाँ पे एक दो तीन तीन चेन बनाई है अब देखें ये फर्स्ट वाली चेन में हम इस तरह से डालेंगे और यहाँ से ये यह फंदे को निकाल के स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा राउंड हमारा बन गया है हम क्या करेंगे एक दो तीन चार हमने यहाँ पर चार चेन बनाई इस राउंड में डालेंगे अपने हुक को ये देखें और यहाँ से ये फंदे को हम निकालेंगे और ये स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे ये इस तरह तो से हो गया अब फिर देखिए इसी राउंड में हमें बार बार डालना है चार चार चेन बना के एक दो तीन चार चार चेन बनाई ये देखिए इसी राउंड में हम इस तरह तो से डालेंगे और डालने के बाद ये हमने फंदे को निकाला स्लिप स्टिच से जोड़ दिया फिर हमने यहाँ देखें एक दो तीन चार चार चेन बनाई इसी राउंड में हम डालेंगे इस तरह तो से और निकालने के बाद हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया फिर देखिए यहाँ पे ये एक दो तीन चार चार चेन बनाई इसी राउंड में डालेंगे निकालने के बाद स्टिच से जोड़ेंगे हमने टोटल चार बार किया है ये चीज़ अब पाँचवीं बार है तीन और चार ये हमारा पाँचवा कंप्लीट हो गया बस हमें इतना ही फ्लावर बनाना था और यहाँ से अब हम नॉट लगा के इसे कर देंगे कट ये देखें ये हमारा फ्लावर बनके रेडी हो गया है और पीछे से आप ये देखें इसे भी कट कर सकते हैं ये दोनों धागे को आप ऐसे एक साथ बांध दें जिससे आपके फ्लार के खुलने के कोई चांसेस ना हो कि ये खुले बाद में ये हमने यहाँ पे बांध दिया आप इस पर मोती लगा सकते हैं ब्लू कलर की स्टोन बटन लगा सकते हैं कुछ भी लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो और यहाँ से ये हम एक्स्ट्रा जो आ रहा है इसे कट करके हटाएंगे ये हमने यहाँ से कट कर दिया अभी हमारा फ्लार देखें कितना फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो गया है तो अब हम चलिए पंचो सिलना स्टार्ट करते हैं ये देखिए ये हमारी स्ट्रिप बन गई है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इसे इस तरह से ऐसे वी सेप में आपको देखिए ऐसे कर देना है इसे ये यहाँ से ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे यहाँ यहाँ से आपको बराबर और यहाँ से ये दोनों साइड से आपको बराबर करते हुए इसे रखना है और यहाँ पे हम सिलेंगे यहाँ पे मैंने सुई में ब्लू कलर का धागा डाल लिया है तो देखें ये इस तरह से हम इसे सिल देंगे सेम कलर के धागे से आप सिलेंगे तो पता भी नहीं चलेगा देख के कि आपने यहाँ पे सिलाई की हुई है ये जगह आप अच्छे से पक्का करके फिर इसे ऐसे सिलते हुए यहाँ कॉर्नर पे आ जाएं और देखें फिर यहाँ पे हम इसे एक बार ऐसे पक्का कर लेंगे जिससे कोई खुलने के चांसेस ना हो ये इस तरह से और फिर यहाँ से हम ऊपर जाएंगे ये हमने यहाँ तक किया यहाँ भी हम एक बार इसे अच्छे से पक्का करेंगे ये यह देखिए यहाँ तक हमने इसे सिला कॉर्नर्स पे आप अच्छे से इसे पक्का कर लें एक दो बार इस तरह से ऐसे इसकी सिलाई लगा दें ये देखिए हमने लगा दी अब हम यहाँ से और यहाँ सेंटर पर आएँगे तो सेम तरीके से हमें सिलाई लगाते हुए यहाँ सेंटर पर आना है और ये सेंटर पर भी हम इसे अच्छे से पक्का करेंगे ये देखिए यहाँ पे भी हम इसे इस तरह से पक्का कर देंगे और यहाँ पे पक्का करने के बाद फिर से हम यहाँ से ये ऐसे नीचे आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम आ गए हैं ये यह देखिए यहाँ आ गए यहीं से हमने अपनी सिलाई स्टार्ट की थी यहाँ पे कहीं सिकन नहीं रहनी चाहिए आपकी बस हम, हम यहाँ पे एक नॉट लगा के इसे कट कर देंगे ये हमने नॉट लगा दी यहाँ से कट कर देंगे ये देखिए एक साइड से ये हमारा रेडी है सेकेंड साइड भी हमें सेम तरीके से सिलनी है ये देखिए यहाँ भी हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर वी सेप में रखेंगे देखिए ये हमारा इस तरह से पंचो आ जाएगा तो यहाँ पे हमने इसे वी सेप में रखा है यहाँ से बराबर करेंगे यहाँ से और यहाँ यहाँ से पूरा हम इसे सिलेंगे सेम तरीके से सिलना है जैसे हमने उसे सिला था सेम वैसे ही हम इधर से भी इसे सिल देंगे और बहुत आसानी से आप किसी भी साइज के लिए ये पंचो बना सकते हैं मैंने मेजरमेंट आपको बताई है और बहुत जल्दी से आपका ये झटपट बन के तैयार हो जाता है ये देखें ये इस तरह से हमने इधर भी इसे सिल दिया फिर यहाँ पे हम इसे लॉक करेंगे तो चलिए मैं जल्दी जल्दी इसे सिल देती हूँ ये देखिए ये हमारा पॉन्चो इतना कंप्लीट हो गया है और बैक से भी ऐसा है फ्रंट से भी सेम ऐसा ही है अब हम क्या करेंगे ये जो हमने टसल्स बनाए हैं ये हम यहाँ पे ऐसे स्टिच करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा धागा लगा ही है ऐसे हम बैक साइड से इसे यहाँ पे सिल देंगे यहाँ से ये आप एक्स्ट्रा धागे जो ये सब आ रहे हैं इन्हें कट कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक दो सिल के दिखा देती हूँ ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसे इसे सिर्फ टक कर देना है बहुत आसानी से ये लग जाता है ये यह देखिए यहाँ पर हमने इसे टक कर दिया ऐसे ही फिर हम दूसरा लेंगे और एकदम इसके इस तरह से पास में ही हमें लगाना है तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे लगाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे सभी को लगा लेती हूँ इसके पूरे राउंड पे फिर हमें यहाँ बीच में क्रॉसीए से बनाना है ये यह देखिए यहाँ पे हमने दो टजल्स लगाए चलिए मैं पूरे राउंड पे लगा लेती हूँ फिर यहाँ हम क्रोसीए से नेक पे बना लेंगे थोड़ा सा ये देखिए हमने यहाँ पे ये फ्रिल्स लगा ली आप क्या करें इसे हल्का सा कॉम करके कंघी से ऐसे करके और उसके बाद इसे कट कर लें अभी मैं इसे हल्का सा कॉम करके आपको कट करना दिखा दूंगी किस तरह से कट करें अब देखिए कहीं से भी हम यहाँ से इस तरह से अपने हुक को फंसाएंगे और इस, इसके नेक पे भी हमें बनाना है थोड़ा सा ये देखिए ये इस तरह से हमने यहाँ पे फंदे को फंसाया एक दो।, दो चेन हमने बनाई यहाँ पे इस तरह से लेंगे फिर नेक्स्ट चेन में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाई फिर इस, फिर इस तरह से लेंगे अगली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाई फिर इस तरह से लेंगे अगली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाई ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे हम अपने नेक पे बना लेंगे ये देखें ये इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया हमें बनाना है अभी मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से कहाँ तक है हमारी नेक एक वी से दूसरे वी तक है ये देखें ये इस तरह से ये देखिए यहाँ पे ये फंस गया थोड़ा सा ये ऐसे हमने डाला ये हमने बना दिया मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ से कहाँ तक है नेक ये देखिए ये है हमारी पोंचो और ये पूरा बैक से यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ फिर यहाँ तक है तो चलिए मैं यहाँ पे बना लेती हूँ पूरे नेक पे फिर आपको दिखाऊंगी कैसे इसे हम स्लिप स्ट्री से जोड़ेंगे ये देखिए हमने यहाँ पे सभी चिज में बनाते हुए अब हम फ्रंट पे आ गए हैं हम क्या करेंगे यहाँ इसे इस तरह से स्लिप स्ट्री से जोड़ देंगे ये हमने जोड़ दिया ये मैं आपको एक बार लंबा करके दिखा देती हूँ ये इतनी बड़ी हमारी नेक आई है अगर आपको इससे भी छोटी नेक चाहिए तो एक बार और यहाँ पे आप सिंगल क्रोशिया चला सकते हैं बट ये इतनी नेक एकदम परफेक्ट है और अब मैं इस पर भी देखिए एक बटन लगा दी है स्टोन बटन इसे मैं यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर दूंगी तो ये हमारा पॉनचो रेडी है चलिए अब मैं आपको इसे थोड़ा सा कॉम करके कट करना दिखा देती हूँ ये देखिए हमने यहाँ पे इसे कॉम कर दिया है अब हम यहाँ पे इसे ऐसे कट कर देंगे साइडों से ये देखें ये ऐसे बराबर करते हुए आप कट कर दें और सेम वैसे ही हम इधर से भी कट करेंगे बस इसे हमें बराबर कर लेना है ये देखें इस तरह से ये हमारा वी शेप में आ चुका है ये हमारा पॉन्चो रेडी है चलिए अब मैं आपको इसकी कैप भी सिल के दिखा देती हूँ अब देखिए कैप हमें किस तरह से सिलनी है इस तरह से हम इसे ऐसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद सबसे पहले हम इसे यहाँ नीचे से सिलना स्टार्ट करेंगे ये यह देखें, यह देखें। यहाँ से इस तरह से हम इसे अच्छे से लॉक करेंगे क्योंकि ज़्यादा खुलने के चांसेस नीचे से ही होते हैं अगर एक बार अपनी सिलाई आप स्टार्ट करते वक्त अच्छे से पक्का करके स्टार्ट करेंगे तो उसके खुलने के चांसेस नहीं होते अब देखें अब हम इसे इस तरह से सिलते हुए ऊपर आ जाएंगे और ऊपर आने के बाद फिर से हम इसे यहाँ से अच्छे से पक्का कर लेंगे ये देखिए यहीं पे हम एक नॉट लगा देते हैं यहाँ पे नॉट लगाना ज़रूरी है अब देखिए ये जो पूरा राउंड है इस पर ये हम यहाँ सभी चेन में से इस तरह से एक एक बार करके निकलेंगे मतलब हमें यहाँ पे छोटी छोटी सिलाई लगानी है ये पूरे राउंड पे हम एकदम छोटी छोटी सी सिलाई लगाएंगे ये देखें ये इस तरह से हम लगाते हुए जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहीं एंड तक पहुँच जाएंगे सिलाई लगाते हुए बहुत ही खूबसूरत सी कैप बनेगी इस तरह से कैप मैंने सिलाई से भी बनाना बताई है अब ये वीडियो पहले आती है या वो वीडियो पहले आती है दोनों में से कोई वीडियो आएगी पहले या पहले या बाद में से क्या आपको मिल जाएगा सीखने को ये देखें इस तरह से हम यहाँ पे इसे टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद यहाँ भी हम अच्छे से इसे सिल देंगे दो तीन बार ये देखें यहाँ पे हमने इसे एक दो बार सिल दिया बस यहाँ पे नॉट लगा लूँगी अभी ये हमारा खुलेगा नहीं एकदम अच्छे से पक्का हो गया है तो यहाँ से हम नॉट लगा देंगे और धागे को कट कर देंगे ये देखिए ये इस तरह से हो गया है अब इस पर मैं एक येलो कलर की पोम पम लगाऊंगी तो पोम पम बनाना तो मैंने अपने काफ़ी सारी वीडियो में बताया है आपको बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं पोम पम यहाँ से ये जो धागे वगैरह आ रहे हैं इसे हम कट कर लेंगे और पोम पम बनाने के लिए हमने ये येलो कलर का ऊन लिया है येलो कलर से हम पोम पम बनाएंगे देखें यहाँ पे अपनी दो उंगली में से लपेटेंगे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तेरह तेरह बार हमने इसे लपेटा है चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस पच्चीस बार हमने इसे लपेटा अगर हम मोटा उंग लपेटते हैं तो ये थोड़ा अच्छा बनता है बहुत सुंदर लगता है ये देखें अब इसके बीच से हम इस तरह से ये नोट देंगे ये हमने सेंटर से इसके नॉट दे दी ये देखें इस तरह तो से और नॉट देने के बाद हम इसे यहाँ थोड़ा लंबा रख के कट कर लेंगे अब हमें यहाँ से इसे ऐसे कट करना है ये देखें ये हमने इसे यहाँ से कट करके अलग कर दिया और सेम हम इसे इधर से भी कट करके अलग कर देंगे ये हमने अलग कर लिया ये देखिए अलग करने के बाद हम थोड़ा सा इसे ऐसे बॉल शेप में ले आएंगे और बॉल शेप में ले आने के बाद देखिए यहाँ से हम इसे कट करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से हमने इसे कट करना है पास पास से हम कट करते हैं तो हमारी पॉम पॉम अच्छी बनती है बहुत दूर दूर से कट करने से नहीं अच्छी बनेगी इसलिए देखिए हम पास पास से कट कर रहे हैं ये इस तरह से आप इसे और भी बेटर सेप दे सकते हैं ये देखें ये हमने लगभग इसे कट कर दिया है अब बस मैं इसे कैप के ऊपर लगा दूँगी और अपने कैप पे भी एक स्टोन बटन लगा लेंगे फिर गोपालजी को पहना के दिखाती हूँ आपको ये देखिए हमने यहाँ पे पॉन्चो पहना दी गोपालजी को पहनाना मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था तो आप वीडियो स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं अगर आपने स्किप कर दिया तो तो बहुत ही से हमारी पॉच्यू रेडी हुई है आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे